नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। फतेहगंज पूर्वी की पुलिस को मिली सफलता, क्षेत्र अधिकारी फरीदपुर ने किया खुलासा, 4,18,700 रुपए सहित 2 लूट के अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन में क्षेत्र अधिकारी फरीदपुर के क्वेश्चन नेतृत्व में फतेहगंज पूर्वी के टीम द्वारा ग्राम तिसुआ में हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को 4,18,700 सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त में विजय पुत्र धर्मपाल उम्र 19 वर्ष, शिवनगर थाना फतेहगंज पूर्वी, एवं गगन उर्फ गोला पुत्र स्वर्गीय श्यामपाल उम्र 18 वर्ष तथा थाना फतेहगंज पूर्वी बताए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया इनके पास से नगदी के अलावा SBI बैंक का ग्रीन रेमिट कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासबुक भी बरामद हुई है। गिरफ्तार करने वालों की टीम में उप निरीक्षक दिनेश कुमार थाना फतेहगंज पूर्वी, उप निरीक्षक अखिल कुमार, कांस्टेबल ओम शरण, संदीप यदुवीर एवं विकास मौजूद रहे। बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की। ग्राम तिसुआ में किराना व्यापारी हैं बशीर खान उर्फ बाबू, वो दुकान बंद करके वो बाइक से नौकर के साथ अपने घर जा रहे थे। बाइक उनका नौकर चला रहा था, वो पीछे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आया, उनसे जो है रुपये भरा बैग जो है लूट के उनसे भाग गया था। तो इस संबंध में तफ्तीश की जा रही थी। बाइक उस समय उनका नौकर विजय चला रहा था। विजय की भूमिका की जाँच की गई, इसी संबंध में तफ्तीश की जा रही थी। तो कल दिनांक 25/7/2022 को रात 9 बजे विजय और उसके साथी गगन उर्फ गोलू निवासी जो है गोटिया थाना खास, इनको जो है गिरफ्तार किया गया। दोनों इनके पास से जो है 4,18,700 रुपये बरामद किए गए। साथ ही जो उस बैग में जो इनका जो व्यापारी जिनसे लूट हुई थी उनका ATM कार्ड भी था, आधार कार्ड था और क्या कहते हैं वोटर आईडी कार्ड था, वो भी इनके पास से बरामद किया गया। जो गिरफ्तार हुआ है उसका कोई पुराना कोई आपराधिक इतिहास भी है, किस तरीके का ये वारदात अंजाम दिया गया? नहीं, इनका अभी तक तो पूरे कोई आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया है। ठीक है, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।